नमस्कार, वाईवाईपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज का दृश्य बहुत ही विचारणीय है और हम सबको मिलकर एक साथ इस व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहिए और इतने बुरी तरीके से पैनिक नहीं होना चाहिए। और हम सबको मिलकर सरकार का और इस व्यवस्था का पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए। और जिस प्रकार का ये दृश्य है, ये दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल का है और आप लोग देख सकते हैं कि इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद भी, मतलब आप खुद सोचिए कि कैसे कोरोना को रोका जा सकता है इस तरीके के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में। और लोगों की भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लोग घर जाना चाहते हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग अपने घर को जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें प्रशासन और सरकार जो है, दोनों को मिलकर सहयोग करना चाहिए और कर भी रहे हैं। परंतु यदि ये महामारी और आगे बढ़ गई तो इस व्यवस्था को बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये वाईवाईपी न्यूज़ और पूरे भारत की ओर से आप लोगों को विनम्र निवेदन है कि आप लोग व्यवस्था को बनाएं और पैनिक ना हो। और क्योंकि अगर यदि इसी तरीके से लोग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रहे और यह महामारी यदि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में पहुंच गई, तो फिर इसको रोकना बहुत ही असंभव हो जाएगा और क्या होगा इस देश का और हमारे भारत का कुछ कह नहीं सकते। तो हमारी दिल्ली का ये हाल है और भी जगह जहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। लोग अकेले ही जो है कई कई किलोमीटर तक जो है पैदल चल रहे हैं। और बहुत से जगह तो ऐसा भी आया है कि लोग दिल्ली से, बम्बई से और भी बहुत बहुत दूर से लोग जो है बिहार, झारखंड और बहुत दूर पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो उन लोगों का सहयोग करना चाहिए और उनको जहाँ तक संभव हो सकता है उनकी सहायता करनी चाहिए। और ये हम सबको मिलकर इस महामारी से लड़ना है और विजय पाना है। तो आप अपने आसपास के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको मिलिए मत, लेकिन उनको किसी भी तरीके से सूचित करिए कि अपने घर से बाहर ना निकले और जहाँ तक संभव हो इस महामारी से दूर रहें। स्वयं भी दूर रहें, अपने आसपास के लोगों को भी दूर रखें, स्वयं को, अपने परिवार को और इस देश को सुरक्षित रखें। तभी हम सब मिलकर एक साथ, एकजुट होकर इस महामारी से पार हो सकते हैं। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो हम सबको मिलकर इसका साथ देना है और इससे दूर होना है।